हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि मैं आपको जब मेरा माइक आ जाएगा वो फिट करके बताऊंगा, तो इस बार भी उसने धोखा दे दिया। माइक रिप्लेस होके आ गया है मेरे पास, बट वो भी मेरा वर्क नहीं कर रहा है। सो मैंने एक जुगाड़ बनाई है, जो कि बोया M1 मेरे पास माइक था, वो मैंने उसमें कैसे कैसे फिट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ये माइक आज ही मेरे को सुबह रिप्लेस होके मिला, तो मैंने चेक किया, ये फिर वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको दोबारा कैंसिल कर दिया। इस बार मैंने इसको वापस ही कर दिया। एंड दिस इज़ माय बोया M1 माइक, जो मैंने इस पे सेट किया है, कि जो इसका एक्स्ट्रा वायर था ये 20 फुट समथिंग लंबा है, तो मैंने इधर इसको टैप से अच्छी तरह से रैप कर दिया है, जिससे ये हिले नहीं, क्योंकि अंदर तो ये कैसे भी फिट नहीं होता। और कैसे कैसे करके अच्छी आवाज़ आ रही है, और मैंने अपना कैमरा भी माउंट कर लिया इस पर, अभी चार्ज हो रहा है कैमरा। सो सॉरी गाइस, मैं जब भी मैंने छोटा वाला माइक लूँगा मैं ज़रूर आपको उसकी फ़िटिंग करके दिखाऊंगा, भले ही वो भले ही 1 मिनट का वीडियो क्यों ना हो, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगा। बस अभी आप ये देख लीजिए, मैंने इस तरह से इसको चिपकाया हुआ है। तो प्रियंका अभी मेरे वाइजर से ये पॉलीथीन रिमूव करेगी, टिपिकल इंडियन, बहुत देर में हटाते हैं ऐसी सब चीज़ें। प्रियंका डाउन, सो फाइनली ये मेरे वाइजर से हट गई है रैप। अभी मैं ग्वालियर के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि राइड पे जाने से पहले थोड़े कुछ काम है वो पूरे करने हैं। सो मिलते हैं सीधे बाइक पर। आई एम लीविंग फॉर ग्वालियर। अभी फ्यूल रिफिल कराना है बाइक में, फ्यूल बहुत कम है, तो फ्यूल रिफिल करा के अभी मेरे को इधर से नहीं जाना है, मैं जाऊंगा शीतला माता मंदिर पहले, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने बोला था कि वहाँ बाइक ज़रूर ले जानी है। सो शीतला माता मंदिर होके ग्वालियर जाऊंगा। हमें अभी एराय रोड पे सीता माता के रास्ते में जाते हुए आतरी से लगभग अराउंड 15-16 किलोमीटर हो गए ये शीतला माता मंदिर। तो हमारे सभी फ्रेंड्स का ऐसा है कि नई बाइक है तो माता के मंदिर की चुनरी हमारी बाइक पे होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं राइड से पहले शीतला माता मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पे माता के दर्शन भी हो जाएंगे और माता की चुन्नी भी मिल जाएगी, जो माता की चुनरी के रूप में उनका आशीर्वाद मिल जाएगा एक्चुअल में, जो गाड़ी के साथ रहेगा, जो गाड़ी की रक्षा करेगा, हमारी भी रक्षा करेगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। और आशुतोष वो गुनी, आप लोग नहीं जानते, मतलब जिसकी ये बाइक है, उसने भी मुझको बोला था कि वहाँ ज़रूर होके आना। सो मैं इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कभी अपनी लाइफ में फुल फेस हेलमेट नहीं लगाया, और आज पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। और सामने का व्यू अच्छे से पहाड़, और एक भाई अपना कोचिंग से लौटते हुए अपने घर जा रहा है। जब मैं लास्ट टाइम गया था लॉकडाउन के एक दिन पहले, जब क्वार में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके एक दिन पहले गया था, वहाँ पूरा बंद था, और आप सामने देख सकते हैं छोटे छोटे माउंटेन्स। वन डे इससे 10 गुना ज़्यादा बड़े माउंटेन्स में मैं जाऊँगा। उस दिन भी मैं यहीं से बताया था कि ये रास्ता जाता है ग्वालियर के लिए, और इधर से सीधे माता मंदिर पे जा सकते हैं, तो हम लोग आज इधर से जाएंगे, इधर भी जाएंगे, पहले दर्शन कर लें उसके बाद जाएंगे। और आप गाड़ियाँ और ट्रैक्टर्स एंड बाइक्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीड़ काफ़ी है। और अब मेरे को अपनी बाइक के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढनी है। मेरी आवाज़ थोड़ी शेकी हो रही है क्योंकि बाइक में बहुत धच्चे लग रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी जगह देख के बाइक पहले अच्छी जगह पार्किंग पे लगाई जाए, देन उसके बाद मंदिर के दर्शन।
बाइक को बिल्कुल आगे लगा जाता हूँ, जिससे फिर रिस्क नहीं रहेगी, बाइक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। बाइक की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मंदिर पे नीचे जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कैमरा टर्न अराउंड करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पीछे का नज़ारा, बहुत भीड़ है। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। आज गुप्त नवरात्र स्टार्ट है, इसलिए वैसे आज शुक्रवार का दिन है, इतनी भीड़ नहीं होती अगर नवरात्रि नहीं होती तो। कथा भी करा रहे हैं लोग बाग। फॉर्चुनेटली मेन एंट्रेंस आज भी बंद है, सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जो कि आज भी बंद है। लोग बाग इधर साइड से जा रहे हैं, मैं भी इधर साइड से जा रहा हूँ। तो फाइनली एंट्री मिल गई मंदिर के अंदर, दर्शन हो गए माता के अंदर। ज़्यादा भीड़ नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ लोग करके छोड़ रहे हैं। एंड फाइनली मैं को चुन्नी मिल गई माता की, तो फाइनली बाइक पे चुन्नी बांध दी है। अब ये माता के आशीर्वाद से ब्लेस हो चुकी है गाड़ी, ठीक है गुनी, चुन्नी डन, गेट सक्सेस। सो राइट नाउ आई एम लीविंग दिस प्लेस, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब मेरे को यहाँ से नीचे जाना है, जो कि मैं लास्ट टाइम बताया नहीं था, ये रोड वाले के लिए कनेक्ट करेगा। तो ये ढलान है यहाँ से, और इधर से ही मेन एंट्रेंस है माता के लिए। बट मैंने ऊपर ही बाइक लगा ली थी, मुझे लगा लास्ट टाइम की तरह शायद अगर ये मेन एंट्रेंस बंद हुआ तो यहाँ से काफ़ी चल के जाना पड़ता है, और ऊपर से बहुत कम चल के जाना पड़ता है, और ऊपर से ढलान भी है, तो जल्दी से पहुँच जाते हैं। हाँ, वापस आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और सूरज देवता अपने पूरे फुल फॉर्म में है इस टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ शीतला माता। मैं लास्ट टाइम इधर से चढ़ के गया था यहाँ से ऊपर टाप के, बट अभी तो खुला है, टू व्हीलर्स जा रहे हैं। सो एक बार और हाथ जोड़ के यहाँ से निकलते हैं। मैंने बाइक ली थी, वो यहाँ पे शोरूम है सौम्या मोटर्स, तब ग्वालियर में आई थिंक एक ही शोरूम था, वो भी यहाँ पे सिपरी लिंक रोड बोलते हैं इसको। तो जो मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक रेड चरेड है, वो मैंने इधर से परचेज़ की थी। अब एक और शोरूम बन गया है जो मैंने यहाँ, जो ये बाइक परचेज़ की है, बिग बॉयज शोरूम नली गेट पे, वो ये बाइक वहाँ से परचेज़ की है, मेरे टाइम पे नहीं था वो। तो इनकी भी सर्विस अच्छी है, उनकी भी सर्विस अच्छी है, रॉयल एनफील्ड की सर्विस तो वैसे ही अच्छी रहती है सब जगह। सो बिग थम्स अप फॉर रॉयल एनफील्ड। हेलो मयूर, राइट नाउ आई एम एट गुड़ी गुड़ा का नाका। सो सारी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद आप घर को वापसी, और ये ट्रैफिक जाम सिग्नल पे हमेशा की तरह जो कि रहता ही है। तो ये है एंट्रेंस हाईवे के थ्रू जोरासी धाम के लिए, और ये सीधा रास्ता। अगर आपको जोरासी दर्शन नहीं करने हैं तो आप ऐसे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, कल शायद मैं राइड के लिए निकलूँगा दिल्ली के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।